तो गाइस कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मैं पुणे से लॉकडाउन की वजह से मैं वापस घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद मतलब बहुत काम है, मतलब कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ और इधर खेती में आओ। तो मैंने आज खेती में पानी लेने के लिए आया, तो सोच रहा हूँ थोड़ा खेती का वीडियो बना के थोड़ा खेती में डाल देता हूँ। तो अभी ये देख सकते हो खेती मेरे पीछे बहुत पूरा खेती ही खेती है। तो इसी खेती में हम पानी लेने के लिए आए। ये खेती भी हमारा है, ये वाला और वो वाला, वो तीन पार्ट हमारा है। तो पानी लेते हैं, खेती में पानी लेने के लिए आया, तो वीडियो भी बनाता है देखते हैं। बस ड्रेन जो है वो ड्रेन साफ किया हम लोगों ने। ये देखो कितना घास बीज भरा हुआ है, जिसके वजह से मतलब पानी बहुत फूल रहा था और फूल के दूसरा खेती में पानी जा रहा था, तो इसीलिए साफ करना पड़ा। अभी कितना क्लीन है ड्रेन, और पहले देखो कितना घास बीज भरा हुआ था। तो गाइस ये जैसे कि अपना मशीन है, ये मशीन है, यहाँ से अपना पानी लेना है, इधर से सीधा जाता है अपना वहाँ पे, वो जो दिख रहा है वो खेती में जाता है अपना पानी। और मेरे को जब तक पानी चलेगा तब तक अपने को ध्यान देना है पानी कहीं दूसरा खेती में तो नहीं जा रहा है, कहीं किधर का बांध तो नहीं टूट गया, ये सब अपने को ध्यान देना है। और धूप बहुत है तो अभी मैं थोड़ा छाया में खड़ा हूँ, अभी अपने थोड़ी टाइम के बाद निकलना है। जैसे ये जो बांध देखो यहाँ पे एक बांध है, ये बांध कहीं टूट टूट ना जाए पानी, ये कभी ये खेती में तो नहीं जाए, ऐसे देखना है मेरे को। और यहाँ पे पूरा ध्यान देना है मेरे को, जब तक पानी लेना है तब तक मेरे को पूरा ध्यान देना है। और अभी मैं फाइनल और एक बार चेक करने जा रहा हूँ। और पानी लेने का यही डील है कि तेल अपना रहेगा और मशीन का जो रेंट है वो अनर को जाएगा। और एक घंटा एक लीटर तेल में एक ही घंटा मशीन चलेगा, और जो भी हिसाब होगा वो इंडर द सीजन हिसाब होता है। जैसे तुम कौन सा भी खेती कर रहे हो, धान का या पाट का या गेहूं का, जो भी खेती कर रहे हो, वो मतलब जब सब उठ के जाल हो जाएगा, सीजन ख़त्म हो जाएगा, तभी अपना हिसाब आएगा कितने तुम कितना घंटा पानी लिया, कितना घंटा मशीन चला, उतना घंटा का हिसाब। एक घंटा का शायद तुम्हारा 20 या 25 रुपये लेता है, 20-25 या 30 रुपये लेता है एक घंटा का, मेरे को पता भी नहीं क्योंकि मैं घर पर तो बहुत कम रहता हूँ। एक घंटा का 25 या 30 रुपये लेता है, तो बाद में जितना भी आवाज होता है उतना घंटा का हिसाब करके बाद में तुमको पैसे दे देना है उनको, बस ऐसे ही। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपना जो नाला है, ड्रेन है, ये जो ड्रेन है, ड्रेन मेरे को और एक बार चेक करने जाना है। जैसे देखो यहाँ पे एक बांध है, ये बांध भी मुझे चेक करना है कि बांध कहीं टूट ना जाए कभी कभी। देखो पानी ऑलरेडी चला गया होगा वो साइड में, इस साइड में ऑलरेडी पानी चला गया थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा सा लूज है यहाँ पे। तो ठीक है गाइस, मैं और एक बार चेक करता हूँ पानी, और आपको थोड़ा खेती देख लो आप, थोड़ा खेती है मस्त है, मतलब पूरा ग्रीन और ग्रीन है, आपको ऐसे देखने को शायद बहुत ही कम मिलेगा। मतलब जो लोग सिटी से बिलोंग करते हो, जो शहर से बिलोंग करते हो, उसको मतलब ऐसे ग्रीन और ग्रीन बहुत देखने को बहुत ही कम मिलेगा। आप देख सकते हो पूरा हरियाली है, एकदम हरियाली भरा हुआ है, पूरा खेती है। इस साल ये खेती जो है वो शायद कोई किया नहीं, अभी पता नहीं इसका क्या सीन है, क्यों नहीं किया मेरे को नहीं पता। बाकी तो हर जगह में पूरा खेती ग्रीन और ग्रीन ही है। देखो और पेड़ में जो है वो अभी मतलब धान आ चुका है, ये देखो, तो अभी मतलब पानी देना ज़रूरी है, नहीं तो ये मर जाएगा, तो इसलिए अभी पानी देना ज़रूरी है और अभी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब देख सकते हो मतलब पूरा आ गया धान, राइस मतलब जो है सब आ गया है। तो आप लोग मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, देखो पूरा फट चुका है मतलब, तो इसलिए पानी देना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अभी फलन होने वाला है ऑलमोस्ट, अभी पानी नहीं देगा तो मतलब ये पूरा जो राइस है वो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए पानी देना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली हुआ ही कि मैं चुपचाप खड़ा था और एक छोटा सा सांप आके मेरे पैर के ऊपर चढ़ गया, ये सच्ची बता रहा हूँ मैं, ये झूठ नहीं है।
तो ठीक है, मैं फोन को करते हैं बंद और पानी देने स्टार्ट करते हैं, और अपना ध्यान रखते हैं भाई। पूरा 2 घंटा पानी लेने के बाद अपना मशीन अभी बंद किया हुआ है, और ये नाला का जितना भी पानी है, ड्रेन का जितना भी पानी है, सब अभी जाएगा खेती में। और एक बार फाइनल चेक करके आता है कि नीचे तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। 2 घंटा पानी लेने के बाद भी अपना नीचे तक पानी आया नहीं, ये देख सकते हो। इसलिए नहीं आया क्योंकि मिट्टी जो है बहुत धूप है, अभी बहुत ज़्यादा ही गर्मी है और मिट्टी पूरा फट चुका है, तो पूरा नीचे तक पानी जा रहा है, जिसके वजह से नहीं आया पानी। तो वापस से लगते 1-2 घंटा और लेना पड़ेगा। तो मैं वापस घर जा रहा हूँ, घर जाके वापस से मैं तेल लेके आता हूँ, क्योंकि मैं 2 लीटर तेल लेके आया था। 2 लीटर तेल में से अपने को हुआ नहीं, घर में जाके वापस तेल लेके आता हूँ, वापस से पूरा वापस पानी देना है खेती में। तो वीडियो को करते करते यहीं पे बंद, तो चलते हैं फिर।